तो हाँ दोस्तों, वेलकम टू यू ऑल इन माय अनदर वीडियो। एंड टुडेस वीडियो इज अबाउट एग्जिट एग्जामिनेशन फॉर फार्मेसी इन इंडिया। बेसिकली इफ यू आर डूइंग और यू जस्ट ग्रेजुएट बैचलर ऑफ फार्मेसी, सो नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेसिकली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आर गोइंग टू स्टार्ट एग्जाम। फर्स्ट यू हैव टू पास दिस एग्जाम, देन यू बिकम ए फार्मासिस्ट इन इंडिया। And I will also discuss about in this video what is the advantage or the disadvantage, and what are the, I will compare with the foreign countries, what is the requirement in those countries, and this is good for India or not, you know. So अभी क्या हो गया है इंडिया में, basically जो pharmacy council of India है उन्होंने कहा है कि अभी जो pharmacy की education है बहुत ज़्यादा degraded होती चली आ रही है। अभी बहुत सारे जो कॉलेज हैं basically non attending pharmacy करा रहे हैं, मतलब वो जो है आप pharmacy वहाँ कर सकते हो, आप वहाँ जाओ या ना जाओ study करने के लिए। और बहुत सारे कॉलेज जितनी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका अपना एक पैटर्न होता है एग्जामिनेशन का, है ना। तो कोई यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा मार्क्स दे रही है, कोई यूनिवर्सिटी कम दे रही है, कोई जो है बहुत टफ क्वेश्चन आस्क कर रहा है, कोई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दे रहा है ना। और बहुत सारे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं वो अपने क्वेश्चन खुद से बनाती हैं, वो अपने बच्चों को देती हैं, वो ज़्यादा मार्क्स दे रही हैं, उनको ज़्यादा बच्चे पास होते रहे हैं। तो जो क्वालिटी जो फार्मेसी की जो एक है वो नहीं हो पा रही है। आल तो सारे जितने भी कॉलेज इंडिया में फार्मेसी के, ऑल द कॉलेज हैज़ टू फॉलो द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द रेगुलेशन एंड द सिलेबस, द सेम सिलेबस ऑल द यूनिवर्सिटीज हैज़ टू फॉलो, बट द क्वालिटी ऑफ लेक्चर आल्सो इज अ डिफरेंट, यू नो। तो ईच यूनिवर्सिटी हैव द ऑन लेक्चर, यू नो, सम लेक्चर माइट बी वेरी गुड इन टीचिंग एंड दे आर वेरी गुड, यू नो, द स्टूडेंट आर अंडरस्टैंडिंग आर गुड एंड दे आर परफॉर्म वेल इन द एग्जाम। वाइल इफ यू आर सम अदर यूनिवर्सिटी फ्रॉम द lecturers are not doing very well, might be they are not full-time lecturers nowadays, you know, because lot of private colleges and private colleges they are looking just they want to reduce the cost, you know. So that the pharmacy education jo India mein abhi jo hai bahut zyada degrade kar gayi hai, to usko upgrade karne ke liye jo PCI ne ye ek kadam uthaya hai ki jo bhi B form karega aur uske baad mein ye puri India mein ek exam hoga aur jo is exam ko pass karega wahi jo registered pharmacist kehlayega aur wahi फिर जो है जॉब कर सकता है एज ए फार्मासिस्ट। बट आज के डेट में क्या है, किसी ने भी डिप्लोमा फार्मेसी किया या बैचलर ऑफ फार्मेसी किया या फार्मडी किया, वो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा लेता है और फिर वो क्या कर रहा है, वो अपना लाइसेंस जो है किराए पर दे दे रहा है किसी के लिए, और वो कुछ भी कर रहा है, कोई MR शिप कर रहा है, कोई प्रोडक्शन में जॉब कर रहा है ना। तो ये एक बेसिकली इरेगुलरिटी है बेसिकली इन इंडिया में। तो अभी क्या होगा, इसकी वजह से जितने भी जो फेक फार्मासिस्ट होंगे वो पास कर नहीं पाएंगे इस एग्ज़ाम को, तो फार्मासिस्ट बनेंगे नहीं, तो जो फार्मेसी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ करेगी इंडिया के अंदर। और अगर हम कंपेयर करें कि विदेश में क्या होता है, जैसे कि इंडिया में आपने चैटल के जो बैचलर ऑफ फार्मेसी करेंगे और उसके बाद फिर आप एग्जाम देंगे, फिर आप रजिस्टर कर जाएंगे एज फार्मासिस्ट। बट ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, आप 4 साल की बैचलर ऑफ फार्मेसी करेंगे और उसके बाद फिर आपको 1 साल तक इंटर्नशिप करनी होगी किसी कम्युनिटी फार्मेसी में या हॉस्पिटल के अंदर, और फिर जो है उसके बाद फिर आप जो है 2 एग्जाम पास करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो फिर आपको वहाँ के जो रेगुलेशन है उस स्टेट के अंदर क्या है, जो रूल्स रेगुलेशन है वो उसका एग्जाम पास करना पड़ेगा, और फिर आपको एक क्लिनिकल एग्जाम पास करना पड़ेगा, और उसके बाद आप जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनेंगे ऑस्ट्रेलिया में, है ना। सेम ऐसा ही था जैसे कि मैं था मलेशिया में, चार्टल मैंने मलेशिया में काम किया, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो वहां का जो रेगुलेशन था, वहां क्या था कि आपने पहले चार्टल की बैचलर डिग्री करनी है, फिर आपको वहां पर 1 साल की इंटर्नशिप करनी है हॉस्पिटल या जो इंडस्ट्री में या फिर जो कम्युनिटी फार्मेसी में, जहां भी आप करना चाहते हैं। मतलब बेसिकली ये है कि आपके अपने इंटरेस्ट के ऊपर, आप फाइनल ईयर में आप इंटरेस्ट चूज करेंगे अपना, आपको इंडस्ट्री में जाना है या कम्युनिटी फार्मेसी में जाना है या आपको हॉस्पिटल में जाना है, फिर उसके बीच में आप जो है 1 साल की इंटर्नशिप करेंगे, और फिर उस इंटर्नशिप के बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आप जो है एज ए फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। ये मलेशिया का रेगुलेशन है। तो अगर इंडिया में जो रेगुलेशन जो अभी चेंज किया गया है, इससे जो है मैं समझता हूँ इससे कुछ एडवांटेज मिलेगा फार्मासिस्ट स्टूडेंट, जो रियल फार्मासिस्ट हैं उनको एडवांटेज मिलेगा, जो फेक फार्मासिस्ट हैं वो थोड़ा सा उनकी फैक्ट्री जो है बंद हो जाएगी, और जो बहुत सारे जो फेक कॉलेजेस थे उनकी भी जो है दुकान थोड़ा सा बंद हो जाएगी, क्योंकि अब एग्जाम पास करना तो इससे क्या होगा, बहुत सारे पैसा भी PCI जो है अर्न कर सकती है और उसको जो है फार्मेसी एजुकेशन के बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकती है। और दूसरी तरह से ये है कि अगर हम देखेंगे स्टूडेंट पे एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाएगा ये कि वो जो उनको एग्ज़ाम पास करना है उनको एक मेंटली प्रेशर रहेगा, 4 साल की डिग्री तो करनी ही है, और जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस था 4 साल का आता था बच्चा भूल जाता है, जैसे फिजियोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, या जो है बेसिक केमिस्ट्री थी, तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों को फिर से रिवाइज़ करनी होगी उस एग्ज़ाम के टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें तो
होंगे, या फिर होता है ये जस्ट क्लिनिकल की नॉलेज के लिए रखा जाए कि आपको हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट काम करना है, तो ये बेस्ट हो सकता है मेरे हिसाब से, ये अच्छा स्टेप। और अभी जो है इस एग्ज़ाम के बारे में अभी कोई सिलेबस क्या होगा ऐसा कुछ आया नहीं, पर मुझे लगता है जो फार्मेसी काउंसिल का ऑलरेडी जो सिलेबस है आपको उसी सिलेबस में से ही क्वेश्चन आएंगे। और ये नहीं पता है अभी क्या MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, है ना, और क्या कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, या फिर जो है ये भी हो सकता है कि उसका जो कितने आवर्स का क्वेश्चन होंगे, या आप एक बार अगर फेल हो गए तो आप कितने बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, या फिर उसके बाद, और फिर जो लोग पास नहीं करेंगे वो फिर जो है जो दूसरी जो जॉब्स हैं वो कर सकते हैं, जैसे कि आपको इंडस्ट्री में जाना है या आपको जो है MR बनना है, मार्केटिंग में जाना है, मगर अगर आप एज ए फार्मासिस्ट जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है हॉस्पिटल में काम करता है, या आप जो है एक मेडिकल स्टोर का आप लाइसेंस लेते हैं, वो सारी चीज़ें जो है बंद हो जाएंगी। तो ये एक गुड स्टेप है फ्रॉम PCI एंड दिस इज़ फॉर वेलकम एंड थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।